अहम आदित्यनाथ। साल 1998 12वीं लोकसभा को सबसे कम उम्र के युवा सांसद मिले महंत योगी आदित्यनाथ इस वक्त यूपी के मुख्यमंत्री हैं। उनके जन्मदिन पर आज जानेंगे मठ से निकलकर मुख्यमंत्री बनने तक की उनकी पूरी कहानी। 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में योगी आदित्यनाथ का जन्म हुआ। नाम रखा गया अजय सिंह बिष्ट। योगी गाथा में शांतनु गुप्ता लिखते हैं कि ऋषिकेश में एमएससी के दौरान उनका झुकाव राम मंदिर आंदोलन की तरफ हुआ। 1993 में वे गोरखपुर पहुँचे जहाँ उनकी मुलाकात महंत अवैद्यनाथ से हुई। कुछ दिनों बाद उन्होंने अजय सिंह बिष्ट के सामने शिष्य बनने का प्रस्ताव रख दिया। इस वक्त तो अजय घर पर लौट गए लेकिन दोबारा गोरखपुर आने के बाद हमेशा यहीं के हो गए। गोरखनाथ मंदिर में उन्होंने नाथ पंथ की दीक्षा ली और अजय कुमार बिष्ट से योगी आदित्यनाथ बन गए। साल 1994 में गोरखपुर में स्टूडेंट्स और दुकानदार के बीच विवाद हुआ। इस दौरान योगी छात्रों के समर्थन में सड़क पर उतर आए। पुलिस ने खदेड़ने की कोशिश की तो योगी एसएसपी आवास की दीवार पर चढ़ गए। इसी घटना ने उन्हें राजनीति में एंट्री दिला दी। अवैद्यनाथ के राजनीति से बाहर होने के बाद बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को सांसदी का टिकट दिया और योगी चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंच गए। इसके बाद 1999, 2004, 2009 और 2014 में योगी चुनाव जीते। फिर 2017 के यूपी के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई। ऐसे में पार्टी ने सीएम का चेहरा तलाशना शुरू किया। रेस में सबसे पहला नाम केशव मौर्य और दूसरा मनोज सिन्हा का था। लेकिन 18 मार्च को सीएम योगी को भी दिल्ली बुलाया गया और वहीं से सारा गेम पलट चुका था। इसी तारीख को लखनऊ में विधायक दल की बैठक शुरू हुई। दिल्ली से केशव मौर्य भी लखनऊ पहुंचकर बैठक में गए। आखिर में एंट्री ली योगी आदित्यनाथ ने। विधायकों के बीच एक सांसद को देखकर सभी चौंक गए। मीटिंग खत्म हुई और योगी आदित्यनाथ को यूपी का सीएम घोषित कर दिया गया। 19 मार्च 2017 को उन्होंने उत्तर प्रदेश के सीएम पद की शपथ ली। मैं आदित्यनाथ योगी। इसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद वो दूसरी बार यूपी के सीएम बने।